मध्य प्रदेश की लटेरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक तरफ सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा ही एक मामला लटेरी से आया है। यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चों को निःशुल्क बांटने के लिए किताबें आई थी, लेकिन उन किताबों को कबाड़ी के दुकान में बेच दिया गया। विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सूचना मिलने पर एसडीएम को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद नायब तहसीलदार हेमंत अग्रवाल द्वारा कार्रवाई करते हुए एक कबाड़ की दुकान से किताबों से भरे बोरे बरामद किए गए। उक्त कार्रवाई से लटेरी शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। हर किसी से कुछ भी ले लेते हो? नहीं सर, मुझसे क्या लगा रहती है कि पढ़ी है, तो मैंने तुम बोल देखा रहे हो कि पहले भी देखे गया नहीं, है, पहले तो स्कूल पहले का भी व्यवहार वही है, फिर हैं स्कूल का वो उनका है, तो उनके माध्यम से पंचनामा बनवा लेते हैं और उन्हीं की सुपुर्दगी में दे देंगे, फिर बस तो जांच में ले लेंगे। जब्ती तीसरी में है क्या? नहीं कोई नहीं है, सबूत के तौर पे। रुको 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 रुको, नहीं नहीं जो होता है कोड ये है, जैसे ये 417 तो ये तो पर्टिकुलर स्कूल के नाम लिखा है, वैसे भी 24-25 लिखा है। नहीं वो ठीक है, एक इससे स्कूल भी ट्रेस होगा ना, तो ये तो स्कूल का भेजिए। हाँ नहीं 100% स्कूल की कोडिंग है। अरे बिहारी साहब, आपके उसमें है कि बीआरसी में? बीआरसी जी की बुला लो, बुला लो, पहली से 5 वीक ये है, 8वीं तक है, 8वीं तक गुजार रहे हम में। बोलो क्या सी, क्या सी दो तुम्हारे पर सास की चीज। नहीं सर, तो बात क्यों नहीं पकड़ा? बोल रहा हूं। अरे भाई साहब, ओ तो हमारे भाई साहब, वे तो देख लेंगे आप, सब समझ में जाएगी उनके शासन को। ये किताब 100 रुपए तो आपके जन शिक्षा केंद्र की, वो तो है ना, फिर इसको मना भी नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, नाम लाओ तो नहीं लूंगा। हाँ तो लाए, ये बता रहे हैं ना, इनके बयान में लेंगे नाम, वो बयान लेंगे ना, उन्हें इनकी दुकान पे लाया। चाबी तो मैंने वो नहीं दी, बस तो चाबी भी तुम तो मैंने चपरासी खुद लेके आ गया, आपको जानकारी मिली? हमें नहीं जानते, तो FIR कराना उसकी, हाँ FIR कराना है ना, FIR कराना। सफाई में जहाँ कहाँ से आ सकते हैं, ये दूर रखें सफाई। बियाजी साहब इनकी उपस्थिति भी डालना और इनके द्वारा ये जो बयान बताए इनके बयान भी लेना, ठीक है, इनके माध्यम से FIR कराएंगे। मुझे मालूम नहीं है कि जगह कर रहे हैं, सफाई जरूर करवाइए, संबंधित के खिलाफ जो भी लेके आया होगा FIR हो जाएगी। उससे बात हुई आपकी? उससे बात, वन मोबाइल बंद कर लो, एक बार कर आपको यहाँ रहो, मोबाइल बंद कर लो, आपको किताबें लगा तो किताबें लेके आओ। उसमें आखिरी में लिख देना कि मौके पे उपस्थित हुए और इनके द्वारा ये स्वीकार किए कि इनके यहाँ की है, मेरे यहाँ की मुझे जेल मान लिया, लेकिन मैं कर लो, चेक कर लो ना, चेक कर देता है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनकी तरह बात भी कर रहे हैं आप बताओ, आप क्या मिली बगा है का? मुझे जानकारी नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, कौन से फिर भी चेक कर तो कर लो, चेक कर लो, चेक करने में क्या है, कोई बात नहीं, मत करो मत, और कोई दिक्कत बात बोलना, चेक भाई सीरियल नंबर से चेक हो जाएगी, सीरियल है ना, का मामला है, कबाड़ी की दुकान पर पाई गई, आरोप है कि कोई शिक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा बेची गई है। माननीय SDM साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी, उस क्रम में नायब तहसीलदार साहब के साथ उपस्थित होकर आनंदपुर रोड पर एक रद्दी की दुकान पर एक थैले में कुछ किताबें पाई गई हैं। DRC जी को बुलाकर, जो कक्षा 1 से 8 की हैं, DRC जी को बुलाकर मौके पर पंचनामा बनाकर उनको सुपुर्द कर दिया। कौन से सत्र की किताबें हैं? सत्र 2024-25 की किताबें हैं। किसके द्वारा लाने का मामला सामने आया? ये जाँच के बाद पता लगेगा कौन लाया है, अभी वो सही जानकारी नहीं। ये शास की किताबें हैं? यस शास की किताबें हैं।